दर्शन कीजिए। दोनों जगह माता रानी के बड़े बड़े नेत्र बने हुए हैं और बीच में एक मुखड़ा सा दिखाई दे रहा है। संगत जी, ये सब विश्वास की बातें हैं। मानो तो पत्थर भी भगवान है और ना मानो तो भगवान एक पत्थर है, बट हम लोग बहुत बिलीव करते हैं इन चीज़ों में संगत जी। और मैं ही नहीं, बहुत सारे आप में से भी, मेरे जो यूट्यूब के परिवार में से कई कुछ लोग हैं और मेरे जो गुरु संगत के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों में बिलीव करते हैं। देखो, ये चीज़ें होती हैं धरती पे, ये सुप्रीम पावर्स हैं तो ही हम बचे हुए हैं इतने घोर कलयुग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी, जय माता दी। तो ज़्यादा बातें क्या करनी है, साफ साफ माता रानी दर्शन दे रही हैं। ये देखिए, दोनों जगह नेत्र बने हुए हैं संगत जी, मेरे प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो ये चीज़ें मैं आपसे इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि मेरे को एक अच्छा लगता है, मुझे एक्चुअली ये चीज़ें आपके साथ स्पिरिचुअलिटी से जो भरी हुई हूँ वो चीज़ें शेयर करना, क्योंकि स्पिरिचुअल होना, ये देख, एक मिनट देखना कैसे हिली जोत, जैसे माता रानी खुद ही कह रही है मेरे दर्शन दो। ये देखिए, पूरा रूप बना हुआ है नीचे संगत जी, ज्योति के नीचे कितना बड़ा चेहरा। जय माता दी, क्या बात करनी संगत जी। माता रानी बोलती है पहले तू मेरा ये दिखा ले जोत बात करने का मौका ही नहीं दे रही है माँ। जय माता दी, जय माता दी। ये देखिए संगत जी, मैं कितना करीब से दिखा रही हूँ आपको, पूरा चेहरा सा बना हुआ है माता रानी का। जय माता दी। तो संगत जी, अगर आप भी देख पा रहे होंगे ये चेहरा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये मेरी इमेजिनेशन है या सच्ची में दिख रहा है। जय माता दी, जय माता दी। माँ ज्वाला साक्षात आके ज्योति में बैठ गई हैं और दर्शन दे रही हैं। जय माता दी, जय माता दी। जयकारा शेरा बालिदा, बोल साचे दरबार की जय। हर बार मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो हमें दिखाते हैं रब, हमारे परम पूजनीय परमेश्वर माता रानी गुरु जी, तो वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये दर्शन आज हो रहे थे तो मेरा मन किया आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये देखिए, आपके देखते देखते ही जो तैसे अलग होएगी और नीचे पूरा रूप, ये देखिए देखिए, बात करते करते दिखना शुरू हो गया। जय माता दी, जय माता दी। जयकारा शेरा बालिदा, बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा माँ जगदी ज्योता वालिदा, बोल सांचे दरबार की जय। संगत जी, आपको पता है जब त्रेता युग या सतयुग होता था ना, तो कितने कितने सदियां बीत जाती थी तपस्या करने में, फिर जाके रब के दर्शन होते थे। पर कलयुग में इतनी जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं ना, बस हमें प्रसन्न करना, उन्हें आना चाहिए। और उन्हें कैसे प्रसन्न करना है, बस यही है, जैसे हमारे प्यारे गुरु जी कहते हैं कि निंदा चुगली को त्यागो, अपने अहम को वहां छोड़ के आओ जहां हम अपनी जुतियां उतारते हैं। और सारे देवी देवता यही सिखाते हैं हमें, विनम्र रहो, किसी का सहारा बनो, दीन दुखियों की मदद करो, किसी को दुख तकलीफ में ना देखो। तो कोई भी देवी देवता ऐसे नहीं है जो हमें गलत शिक्षा देते हैं, यही सिखाया जाता है हमेशा हमें। तो हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं। बाकी हमारे कर्म हैं जो कटने हैं, जो गुरु महाराज जी काटते हैं। तो जोर से लगा दीजिए मेरे साथ, जयकारा जयकारा शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी और जय गुरु जी लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है संगत जी आपको। ये देखिए, अंदर पूरे माता रानी के दर्शन हो रहे हैं संगत जी। ये देखिए, मैं क्लोज करके दिखा रही हूँ। जय माता दी, ऐसे लग रहा है शेर पे बैठी माता रानी दर्शन दे रही हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय गुरु जी। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को कैसे हैं आप सब? और हमेशा की तरह मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में होंगे स्वस्थ और मस्त। मेरे प्यारे यूट्यूब परिवार और मेरी प्यारी गुरु महाराज जी की संगत को माता रानी के दूसरे नवरात्रि की लख लख बधाई हो। माता रानी आपके घर में खुशियों के फेरे लगाएं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सुबह सुबह कहाँ जा रही है। जी हाँ, सुबह के 11:30 हो रहे हैं, तो मैं घर से निकल पड़ी हूँ और आ गई हूँ माँ वैष्णो देवी के दरबार में संगत जी। जी हाँ, वही वैष्णो देवी जहाँ त्रिकुट पर्वत पर माँ वैष्णो देवी का बसेरा है, और वहाँ मैं नहीं जा सकती ऊपर गुफा पे, वहाँ के जाके मैं आपको डायरेक्ट दर्शन नहीं करा सकती, क्योंकि संगत जी इतनी हिम्मत नहीं है और ना ही वक्त है कि मैं वहाँ माता रानी के दरबार पे जाके आपको दर्शन करा सकूं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जब तक बुलावा ना हो ना माता रानी का, तब तक आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और इन नवरात्रों में माता रानी के दरबार में बेहद खूबसूरती से साज सज्जा की जाती है संगत जी, बहुत ही प्यारा माता रानी का दरबार लगता है। बहुत ही ज़रूरी काम था इसीलिए आज मुझे जाना पड़ा, और रास्ते में ही मैंने ये ब्लॉग भी शूट कर लिया ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आज मैं कहाँ गई थी। और आते आते काफ़ी रात पड़ गई,
बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला, बच्चे घर पे छोड़ के गई थी इसलिए आना जरूरी समझा, और आते ही मैं आप लोगों को लेके आ गई हूँ अपने गुरु दरबार में गुरु महाराज जी के दर्शन कराने, क्योंकि संगत जी काफ़ी टाइम हो गया है, अगर घर चले जाती तो और लेट हो जाती, इसीलिए मैंने सोचा आते ही पहले आप लोगों को गुरु दरबार के दर्शन करा दूँ। जय माता दी, जय गुरु जी, और जोर से लगाइए जयकारा जयकारा मेरी माँ शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबार की जय, जयकारा हम सबके प्यारे गुरु महाराज जी का, बोल सांचे दरबार की जय, जय कर रही हूँ सॉरी जय। और गुरु दरबार की नेम प्लेट में पूरी मेरी शक्ल दिख रही है, बहुत ही चमचमाती हुई नेम प्लेट है गुरु महाराज की शीशे की तरह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और अब आपको मैं संगत जी लेके चलती हूँ ऊपर दरबार में। मनमोहक दृश्य लगता है मुझे जब जय गुरु जी के ये तस्वीर के ऊपर, तो गुरु जी के स्वरूप के ऊपर अमृत वर्षा के कण पड़े रहते हैं संगत जी, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। मैं बस देखती रहती हूँ गुरु जी को, निहारती रहती हूँ, इनका हंसमुख चेहरा देख के ऐसा लगता है मानो ज़िंदगी में मेरे कोई तकलीफ नहीं है। बस गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ, हे गुरु महाराज, मेरे प्यारे गुरु महाराज, जो भी आपके दरबार में आए बस ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रहे, उसकी जीवन की तमाम मुश्किलें ख़त्म हो, जीवन में उलझने जो भी वो खत्म हो, रोग बीमारियों से वो छुटकारा पाए, कोई भी आपके दरबार से खाली ना जाए संगत जी। मैं हर पल यही दुआ करती हूँ अपने प्यारे गुरु महाराज जी से। और ये जो मैंने अभी आपको काला स्वरूप ऊपर दिखाया है, ये भी बीग गया है अमृत वर्षा में, और क्या बताऊँ मैं, जो गुरु महाराज जी की जगमग जगमग जोत जगती है तो उसका उजाला इतना प्यारा लगता है। कितने दिनों से ये जोत जल रही है लगातार, जितने दिनों से ये अमृत धारा बह रही है, तो बहुत ही साक्षात दरबार है, दूर दूर से लोग पहुँच रहे हैं। और संगत जी, ये जो स्वरूप कोई रख के गया है अपना, ये पूरी तरह जलवर्षा से भीग चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़े पास से, ये देखिए कैसे गुरु जी के माथे पे चेहरे पे ये जलवर्षा की बूंदे, और ये देखिए बिल्कुल लिप्स के पास ये जल बूंदे उनके मुंह से निकल रही हैं बिल्कुल। संगत जी, तो ये देखिए गुरु जी के माथे पे किस चीज़ के दर्शन हो रहे हैं आपको संगत जी, आपको क्या लग रहा है संगत जी, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे ऐसे लग रहा है मानो नाग फन फैला के खड़ा हुआ है और अपनी जीभ दिखा रहा है। तो संगत जी, सभी की अपनी अपनी देखने की क्षमता होती है, सभी का अपना अपना देखने का नज़रिया होता है, तो जो मुझे दिखा है मैं वो बता रही हूँ। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं सही हूँ या गलत, आपको क्या दिख रहा है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, पूरे नाग देवता लग रहे हैं ध्रुव, है ना, पूरे बात है। पूरे नाग लग रहे हैं पूरे, और ये वाले स्वरूप पे भी इतनी ज्यादा अमृत वर्षा हो रखी है ना, ये देख गुरु जी का सारा स्वरूप, ऐसे वो निशान निशान पड़ गए हैं सारे। धन तेरी माया गुरुदेव, धन आपकी माया, धन आपकी माया, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना दातिया, शुकराना 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 अनंतम शुक्र। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल आइकन बटन को बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर शो हो सके। तो कल मिलूंगी नए गुरु दर्शनों के साथ गुरु दरबार में अपने, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी, जय गुरु जी, और लगा दीजिए जोर से जयकारा जयकारा, शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबार की जय।